हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रिकर। फ्रेंड्स, आज के सेशन से हम शुरू करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 380 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज इसका पार्ट वन करेंगे हम लोग, जिसमें कि 130 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और सेकेंड पार्ट में भी 130 कर लेंगे और लास्ट वाला जो बचेगा उसमें 120। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके पहले भाग से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। पहला ऑप्शन है मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, दूसरा है केवल शैक्षणिक स्थितियों के मानव व्यवहार से है, तीसरा है ए और बी दोनों से, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर वन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है। पहला ऑप्शन है तुलनात्मक पद्धति, दूसरा है प्रयोगात्मक पद्धति, तीसरा है व्यक्ति इतिहास पद्धति और चौथा है विकासात्मक पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर टू का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक पद्धति। नेक्स्ट है मूल्यांकन का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है सीमित, दूसरा है असीमित, तीसरा है संकुचित और चौथा है व्यापक। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, सीमित। नेक्स्ट है मूल्यांकन को मापने की विधि है। पहला ऑप्शन है परिणामात्मक विधि, दूसरा है गुणात्मक विधि, तीसरा है उपरोक्त ए और बी दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फोर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी कि परिणामात्मक विधि और गुणात्मक विधि। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। ऑप्शन ए शिक्षण के उद्देश्य, ऑप्शन बी शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव, ऑप्शन सी शिक्षण का मूल्यांकन और चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए जो बालकों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती, दूसरा है भिन्न परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करती है, तीसरा है विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के उपयोग में कठिनाई है। पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं, तीसरा है मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट है शिक्षा का संबंध है। पहला ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों से, दूसरा शिक्षा व शिक्षार्थी व शिक्षक से, तीसरा है कक्षा पर्यावरण व वातावरण से और चौथा है उपरोक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, शिक्षा के उद्देश्यों से। क्वेश्चन नंबर नाइन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक है पहला ऑप्शन है इवोशन, दूसरा है जेम्स ट्रेवर, तीसरा है सी वुडवर्थ और चौथा है चार्ल्स स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, वॉटसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, दूसरा है अंतरंग विधियों द्वारा, तीसरा है बहिरंग विधियों द्वारा और चौथा है निरीक्षण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर टेन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, दूसरा है जी लेसर एंडरसन, तीसरा है सी एच जूड और चौथा है स्टाउड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, सिगमंड फ्रायड। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में प्राचीनतम विधि है। पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि, तीसरा है व्यक्ति इतिहास विधि और चौथा है विकासात्मक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट है वुडवर्थ ने
सबसे पहले निर्माण किया? पहला ऑप्शन है प्रश्नावली, दूसरा है निर्धारण मापनी, तीसरा है साक्षात्कार और चौथा है बुद्धि परीक्षण। तो 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 14, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। पहला ऑप्शन है रेटिंग स्केल, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है केस स्टडी और चौथा है प्रायोगिक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केस स्टडी। नेक्स्ट है वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। पहला ऑप्शन है चेतना का विज्ञान, दूसरा है व्यवहार का विज्ञान, तीसरा है मस्तिष्क का विज्ञान और चौथा है आत्मा का विज्ञान। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट है एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। पहला ऑप्शन है प्रश्नावली विधि, दूसरा है साक्षात्कार विधि, तीसरा है व्यक्ति इतिहास विधि और चौथा है समाजविधि विधि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाजविधि विधि। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया, दूसरा है शैक्षिक मूल्यांकन, तीसरा है खेलों का प्रशिक्षण और चौथा है व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैक्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा है डाल्टन विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि और चौथा है किंडरगार्टन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्याख्यान विधि। मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि एंड किंडरगार्टन जो विधि है वो खेल पर आधारित है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है इसमें लचीलापन नहीं है, दूसरा है अति संकुचित है, तीसरा है इसमें व्यापकता नहीं है और चौथा है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इस ऑप्शन में देखोगे तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव में जा रहा है, ये भी निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। बट ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी वो पॉजिटिव वे में है। मैंने कितनी बार कहा है आप लोगों को कि जो भी ऑप्शन हमारा पॉजिटिव में रहता है उसके ज़्यादा चांस होते हैं कि वो ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है। पहला ऑप्शन है एक ओर जहाँ यह शुद्ध विज्ञान है वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन बी एक ओर जहाँ यह शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा का विचार करता है, दूसरी ओर पौधों के व्यवहार पर और शिक्षा पर भी। ऑप्शन सी एक ओर जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करना है वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी, और डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 मनोविज्ञान के अंतर्गत पहला ऑप्शन है मानव का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तीसरा है संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है और चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न होना, तीसरा है छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। इसमें भी देखिए आप लोग ये भी ये सिर्फ पॉजिटिव है बाकी सारे निगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है 23 सांख्यिकी है। पहला ऑप्शन है कला, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है कला एवं विज्ञान दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कला एवं विज्ञान दोनों। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है कि पहला ऑप्शन है शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे किया जाए, दूसरा है शिक्षा के किन उद्देश्यों का निर्धारण करें, तीसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना और चौथा है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। नेक्स्ट है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े निम्न में से किसके अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन है बाल व्यवहार का अध्ययन, दूसरा है शारीरिक सुडौलता, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ और चौथा है अनुशासन व कक्षा व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारीरिक सुडौलता। नेक्स्ट है शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है
शिक्षा का संकुचित अर्थ, दूसरा शिक्षा का विस्तृत अर्थ, तीसरा शिक्षा का वास्तविक अर्थ और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, शिक्षा का संकुचित अर्थ। नेक्स्ट है, साइकी का अर्थ है, पहला ऑप्शन है मानवीय आत्मा या मन, दूसरा है ज्ञान का पिंड, तीसरा है बुद्धि व मन को जानना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, मानवीय आत्मा या फिर मन। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है, पहला ऑप्शन है वुडवर्ट ने, दूसरा है वर्सन ने, तीसरा है गैरिशन ने और चौथा है वॉरिंग ने। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्सन ने। अब ये ऑस्ट्रेलिया वाले वर्सन नहीं है। नेक्स्ट है, किसी बालक की समस्या के कारणों को सुनने में निम्नलिखित में सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है, पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक, दूसरा है व्यक्ति इतिहास, तीसरा है निरीक्षण और चौथा है परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षण। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, पहला ऑप्शन है अनुकरण करना, दूसरा है सहयोग लेना, तीसरा है आश्रितता और चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि शैशवावस्था में बालक अनुकरण भी करता है, सहयोग भी लेता है और वो दूसरे पर आश्रित भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार में सम्मिलित है। यह कथन, पहला ऑप्शन है C.W. वैलेंटाइन का है, दूसरा है चार्ल्स ई स्किनर का है, तीसरा है गार्डनर मर्फी का है और चौथा है सी वुडवर्थ का है। तो 31 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C.W. वैलेंटाइन। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान, पहला ऑप्शन है आत्मा का विज्ञान है, दूसरा है मन का विज्ञान है, तीसरा है चेतना का विज्ञान है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान भी है, मन का भी है और चेतना का भी है। नेक्स्ट है, मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला ऑप्शन है व्यक्ति की रुचियाँ, दूसरा है अभिक्षमताएँ, तीसरा है अभियोग्यताएँ व वातावरण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। व्यक्ति की रुचियां भी प्रभावित करती हैं, अभिक्षमताएं भी प्रभावित करती हैं और अभियोग्यता और वातावरण भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, पहला ऑप्शन है स्टीफन ने, दूसरा है एंडरसन ने, तीसरा है जेम्स ड्रेवर ने और चौथा है स्टाउट ने। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स ड्रेवर। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन ए है मनोविज्ञान का अंग नहीं है, ऑप्शन बी शिक्षा का एक अंग है, ऑप्शन सी मनोविज्ञान का एक अंग है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, ऑप्शन ए है बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, ऑप्शन बी प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को जानकर शिक्षा देता है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, पहला ऑप्शन है अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, दूसरा है शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, तीसरा है शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है और ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, पहला ऑप्शन है मानव व्यवहार का, दूसरा है मानव सिद्धांतों का, तीसरा है शैक्षिक सिद्धांतों का और चौथा है मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव व्यवहार का। 39, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, पहला ऑप्शन है वर्ष 1947 से, दूसरा है वर्ष 1920 से, तीसरा है वर्ष 1900 से और चौथा है वर्ष 1940 से। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1900 से। ठीक है, 19वीं शताब्दी भी कहीं कहीं दिया रहता है। नेक्स्ट है,
मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहला ऑप्शन है लैटिन भाषा से, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है संस्कृत और चौथा है फ्रेंच। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, पहला ऑप्शन है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, दूसरा है इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, तीसरा है इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके और चौथा है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है, पहला ऑप्शन है शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, दूसरा है शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, तीसरा शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं और चौथा शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के समक्ष नहीं बैठता, पहला ऑप्शन है केस स्टडी विधि, दूसरा है प्रश्नावली विधि, तीसरा साक्षात्कार विधि और चौथा निरीक्षण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है, पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि, तीसरा व्यक्ति विधि इतिहास और चौथा विकासात्मक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है, पहला ऑप्शन है वर्गीकरण, दूसरा है सारणीकरण, तीसरा है आलेख निरूपण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, वर्गीकरण भी, सारणीकरण भी और आलेखी निरूपण भी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है, पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि, दूसरे पिछड़े हुए और तीसरे समस्यात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, मंदबुद्धि वाला का भी अध्ययन किया जाता है, पिछड़े हुए का भी और समस्यात्मक वाला का भी। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, पहला ऑप्शन है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का, दूसरा है वंशानुक्रम व वातावरण का, तीसरा है ध्यान व रुचि का और चौथा है व्यक्तिगत भेदों का। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है यह कथन है, पहला ऑप्शन है रेवनी का, दूसरा है अरस्तु का, तीसरा है डिकार्ट का और चौथा है स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु का। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है यह कथन, पहला ऑप्शन है प्लेटो का है, दूसरा है पीएन झा का है, तीसरा है स्किनर का है और चौथा है हर्बर्ट का है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किनर का। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, पहला ऑप्शन है मातृ शिक्षा से, दूसरा है मातृदर्शन से, तीसरा है मातृ मनोविज्ञान से और चौथा है सभी विषयों से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। 51, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, पहला ऑप्शन है पालन पोषण करना, दूसरा है सामने लाना, तीसरा है नेतृत्व देना और चौथा है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, पालन पोषण करना भी, सामने लाना भी और नेतृत्व देना भी। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है यह कथन है, पहला ऑप्शन है वुडवर्थ का, दूसरा है मैकडूगल का, तीसरा है स्किनर का और चौथा है वॉरेन का। तो क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, वुडवर्थ का। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह कथन है, पहला ऑप्शन है स्किनर का, दूसरा है रायबर्ट का, तीसरा है जे एस मैकेंजी का और चौथा है डेकार्ट का। तो 53 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, स्किनर का। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है, पहला ऑप्शन है पढ़ना, दूसरा है लिखना, तीसरा है बोलना और चौथा है सीखना। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखना।
नेक्स्ट है, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यकरण का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है विभेदात्मक विधि में, दूसरा है परीक्षण विधि में, तीसरा है तुलनात्मक विधि में और चौथा है गाथा विधि में। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, विभेदात्मक विधि में। नेक्स्ट है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। पहला ऑप्शन है डेविस, दूसरा है स्किनर, तीसरा है बियनशा और चौथा है वुडवर्थ। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर। नेक्स्ट है, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, इसका कारण है। पहला ऑप्शन है रक्त, दूसरा है मौसम, तीसरा है जीवकोश और चौथा है वंश। तो 57 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवकोश। नेक्स्ट है, मूल्यांकन पद्धतियां, पहला ऑप्शन है संकीर्ण, दूसरा है विस्तृत, तीसरा है व्यापक और चौथा है अति संकुचित। तो 58 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विस्तृत। नेक्स्ट है, कितने माह का शिशु फ्रॉड व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? पहला ऑप्शन है 4-5 मास का शिशु और दूसरा है 8-9 मंथ का शिशु, तीसरा है 5-7 मंथ का और चौथा है 3 मंथ का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, 4-5 महीने का जो बच्चा होता है वो प्रौढ़ व्यक्तियों की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है, पहला ऑप्शन है बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, दूसरा है छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें, तीसरा है व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें और चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? पहला ऑप्शन है उत्तेजना, दूसरा है कष्ट एवं प्रसन्नता, तीसरा है भय, क्रोध, वसनी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 61 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भय, क्रोध, वसनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास की समस्याएं, दूसरा है समायोजन की समस्याएं, तीसरा है काम और संवेगात्मक समस्याएं और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम और संवेगात्मक समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 63, शैशवावस्था होती है, पहला ऑप्शन है जन्म से 4 वर्ष तक, दूसरा है जन्म से 5 वर्ष तक, तीसरा है जन्म से 7 वर्ष तक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट है, सृजनशील बालकों का लक्षण है, पहला ऑप्शन है समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, दूसरा है गतिशील चिंतन का अभाव, तीसरा है अमान्यता और चौथा है जिज्ञासा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिज्ञासा। 65, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, पहला ऑप्शन है 14 वर्ष, दूसरा है 11 वर्ष, तीसरा है 9 वर्ष और चौथा है 6 वर्ष। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, 14 ईयर। नेक्स्ट है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, पहला ऑप्शन है विभेदात्मक विधि में, दूसरा है तुलनात्मक विधि में, तीसरा है निरीक्षण विधि में और चौथा है आत्मनिरीक्षण विधि में। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मनिरीक्षण विधि में। नेक्स्ट है, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, पहला ऑप्शन है उपचारात्मक विधि, दूसरा है सांख्यिकीय विधि, तीसरा है उत्पत्ति मूलक विधि और चौथा है जीवन इतिहास पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पत्ति मूलक विधि। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है, पहला ऑप्शन है सजातीयता का अभाव, दूसरा है प्रयोग स्थल की कठिनाई, तीसरा है घटनाओं की जटिलता और चौथा है समस्याओं का चुनाव। तो 68 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्या का चुनाव। नेक्स्ट है, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है, पहला ऑप्शन है जैविक और आर्थिक, दूसरा है जैविक और सामाजिक, तीसरा है सामाजिक और राजनीतिक और चौथा है सामाजिक और आर्थिक। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है, पहला ऑप्शन है वृद्धि से, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा है संवेगों से और चौथा है दंड से। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेगों से। नेक्स्ट है,
विकास एक प्रक्रिया है, पहला ऑप्शन है खंडित, दूसरा है निरंतर, तीसरा है पूर्ण और चौथा है अपूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निरंतर। नेक्स्ट है, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्षैतिज विधि, दूसरा है लंबात्मक विधि, तीसरा है सांख्यिकीय विधि और चौथा है प्रयोगात्मक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंबात्मक विधि। नेक्स्ट है, विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाए, अगोपांग तथा समस्त दोनों रूपों को देखे एवं श्रेष्ठ विचार को अच्छे कार्यकर्ताओं और अच्छे व्यापारियों का निर्माण करने के साथ साथ उन सभी को उतने ही पुरुष एवं नारी बना सके। यह कथन है, पहला ऑप्शन है गुडफ्रे का, दूसरा है स्टेनले हॉल का, तीसरा है विगे एवं हंट का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन गुडफ्रे का। नेक्स्ट है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यावसायिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है। यह कथन है, पहला ऑप्शन है वैलेंटाइन का, दूसरा है ब्लेयर व जोन्स का, तीसरा है कोल एवं ब्रूश का और चौथा है स्टेनले हॉल का। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन वैलेंटाइन का। नेक्स्ट है, बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है। पहला ऑप्शन है नियंत्रण निरीक्षण विधि, दूसरा है मनोभौतिक विधि, तीसरा है चिकित्सालय विधि और चौथा है आत्मनिष्ठ अंकन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन नियंत्रण निरीक्षण विधि। नेक्स्ट है, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, तीसरा है मस्त बोध मुखी सिद्धांत और चौथा है संगठित प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्त बोध मुखी सिद्धांत। नेक्स्ट है, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रश्नकर्ता विधि, दूसरा है मनोभौतिक विधि, तीसरा है आत्मनिष्ठ अंकन विधि और चौथा है प्रयोगात्मक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोभौतिकी विधि। सॉरी, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है संकुचित, दूसरा है व्यापक, तीसरा है विस्तृत और चौथा है वृहत। तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापक। क्वेश्चन नंबर 81, अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। पहला ऑप्शन है स्वयं के अध्ययन पर, दूसरा है समाज के अध्ययन पर, तीसरा है बालकों के अध्ययन पर और चौथा है शिक्षकों के अध्ययन पर। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वयं के अध्ययन पर। 82, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन है, पहला ऑप्शन है स्ट्रेंग का, दूसरा है पियाजे का, तीसरा है ब्रूनर का और चौथा है कॉलशैनिक का। तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉलशैनिक का। नेक्स्ट है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है निरीक्षणात्मक पद्धति, दूसरा साक्षात्कार विधि, तीसरा है प्रयोगात्मक पद्धति और चौथा है सैद्धांतिक पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 83 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। पहला ऑप्शन है क्रो और कुरो, दूसरा है वॉशन, तीसरा है क्लर्क और विर्ज और चौथा है मैकडूगल। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉशन। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, दूसरा है मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, तीसरा है बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। इन्होंने मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं जो कि 14 है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय पहला ऑप्शन है उसकी कार्य क्षमता से होता है, दूसरा है उसकी परिपक्वता से होता है, तीसरा है उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, उसकी कार्य क्षमता से भी, उसकी परिपक्वता से भी और उसकी शक्ति ग्रहण करने से भी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से
कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? पहला ऑप्शन है इच्छा शक्ति, दूसरा है उत्तेजना, तीसरा है अस्थायी भाव और चौथा है आदतों का समूह। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तेजना। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास है। पहला ऑप्शन है एक दूसरे के विरोधी, दूसरा है एक दूसरे के समान, तीसरा है एक दूसरे के पूरक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दूसरे के पूरक। नेक्स्ट है एक बालक की बुद्धि 150 है, वह बालक कहलाएगा। पहला ऑप्शन है मंद बुद्धि, दूसरा है पिछड़ा बालक, तीसरा है प्रतिभाशाली और चौथा है असंतुलित। तो 89 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा? पहला ऑप्शन है कक्षा में मॉनिटर बनाना, दूसरा है खेलकूद में विशिष्ट स्थान देना, तीसरा है विद्यालय छात्र परिषद का नेता बनाना और चौथा है स्वदेशी बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है शिशु अवस्था, दूसरा है युवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोर अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोर अवस्था। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों में जिनका वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है वह है। पहला ऑप्शन है जेम्स, दूसरा है ड्रेवर, तीसरा है वैलेंटाइन और चौथा है मैकडूगल। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकडूगल। नेक्स्ट है भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? पहला ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, दूसरा है सुनकर भाषा समझना, तीसरा है ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? पहला ऑप्शन है खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, दूसरा है खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है और चौथा है खेल वह है जो हम करते हैं और चौथा है खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। पहला ऑप्शन है झगड़ालू, दूसरा है विनोदी, तीसरा है समायोजित और चौथा है भीरू। तो क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? पहला ऑप्शन है शैशव अवस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट है वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनता है? पहला ऑप्शन है रचनात्मक, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा है स्वतंत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनात्मक। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होती है? पहला ऑप्शन है अभ्यास, दूसरा है अवांछित विश्राम, तीसरा है हस्तलेखन और चौथा है व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 98 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवांछित विश्राम। क्वेश्चन नंबर 99 सृजनशील बालकों का लक्षण है। पहला ऑप्शन है समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, दूसरा है गतिशील चिंतन का अभाव, तीसरा है अनमननीयता और चौथा है जिज्ञासा। तो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 100 किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है संवेगों का अधिक्य, दूसरा है संचय की प्रवृत्ति, तीसरा है कल्पना की बहुलता, चौथा है मानसिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसिक विकास। नेक्स्ट है बालक का समाजीकरण निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। पहला ऑप्शन है साक्षात्कार तकनीक, दूसरा है समाज नीति तकनीक, तीसरा है निरीक्षण तकनीक और चौथा है जीवनवृत्त अध्ययन तकनीक। तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज नीति तकनीक। नेक्स्ट है बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है? पहला ऑप्शन है रीजन का सिद्धांत, दूसरा है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, तीसरा है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है
उत्तर, बाल्यकाल का समय कब होता है? पहला ऑप्शन है 1 से 3 वर्ष तक, दूसरा है 3 से 6 वर्ष तक, तीसरा है 6 से 12 वर्ष तक और चौथा है 12 से 18 वर्ष तक। तो 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? पहला ऑप्शन है 11 माह, दूसरा है 16 माह, तीसरा है 34 माह और चौथा है 51 माह। तो क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, 11 माह। नेक्स्ट है, बालक की चारित्रिक विकास के स्तर हैं। पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियात्मक, दूसरा है पुरस्कार व दंड, तीसरा है सामाजिकता और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बालक के चारित्रिक विकास के चरण मूल प्रवृत्तियात्मक भी है, पुरस्कार व दंड भी है और सामाजिकता भी है। नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा है राजनीतिक दल, तीसरा है विद्यालय और चौथा है क्रीड़ा स्थल। तो 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रीड़ा स्थल। नेक्स्ट है, संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 3 और चौथा है 2। तो 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट है, 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। पहला ऑप्शन है 1000 शब्द, दूसरा है 6000 शब्द, तीसरा है 11000 शब्द और चौथा है 16000 शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6000 वर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? पहला ऑप्शन है आकृति फलक परीक्षण, दूसरा है भूल भुलैया परीक्षण, तीसरा है वस्तु संयोजन और चौथा है इनमें से सभी। तो 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करती है। पहला ऑप्शन है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमूर्त बुद्धि। अगला है, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है। पहला ऑप्शन है त्रुटियां अधिक करना, दूसरा है जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ, तीसरा है बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना और चौथा है कार्य कारण संबंधों को समझने में असफल। तो 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना। अगला है, शिक्षा का कार्य है। पहला ऑप्शन है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, दूसरा है जन्मजात रुचियों को बदलना, तीसरा है जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग करना और चौथा है जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिलाना। तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। नेक्स्ट है, जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है। पहला ऑप्शन है अभावात्मक विधि, तीसरा है थकावट विधि, चौथा है आत्मदेश विधि और चौथा उपरोक्त सभी। तो 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदेश विधि। नेक्स्ट है, आदतों का शैक्षिक महत्व है। पहला ऑप्शन है समय तथा शक्ति की बचत, दूसरा है बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, तीसरा है आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास और चौथा उपरोक्त सभी। तो 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आदतों का शैक्षिक महत्व समय तथा शक्ति की बचत भी है, बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक भी है और आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास करना भी है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता हो तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता, यह किस कारण से होती है? पहला ऑप्शन है आदत के कारण, दूसरा है अभिरुचि के कारण, तीसरा है बुद्धि के कारण और चौथा उपरोक्त सभी। तो 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिरुचि के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, आदतों का निर्माण किया जा सकता है। पहला है अभ्यास द्वारा, दूसरा है संकल्प की दृढ़ता द्वारा, तीसरा है उद्देश्यों को स्पष्ट करके और चौथा है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है। पहला ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, दूसरा है वाद विवाद विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि और चौथा है किंडरगार्टन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किंडरगार्टन। नेक्स्ट है,
इसे बालोद्यान विधि भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में किंडरगार्टन की जगह आपको बालोद्यान विधि लिख देगा। नेक्स्ट है, जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है, वह है पहला ऑप्शन है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि और चौथा इनमें से सभी। तो 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमूर्त बुद्धि। अगला है, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम यानी कि सोपान है, पहला ऑप्शन है ध्वनि पहचाना, दूसरा है ध्वनि उच्चारण, तीसरा है शब्दोच्चारण और चौथा है भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। तो 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। अगला है, कार्ल ग्रूश मनोवैज्ञानिक खेल के किस सिद्धांत के प्रवर्तक है, पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, दूसरा है मनोरंजन का सिद्धांत, तीसरा है पूर्वाभिनय सिद्धांत और चौथा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वाभिनय का सिद्धांत। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में रुचियां होती हैं, पहला ऑप्शन है सामाजिक रुचियां, दूसरा है व्यावसायिक रुचियां, तीसरा है व्यक्तिगत रुचियां और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, पहला ऑप्शन है बालक, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है पाठ्यक्रम और चौथा है पुस्तक। तो 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा वन, ठीक है, बालक, क्योंकि आजकल बाल केंद्रित शिक्षा जो है उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स किया गया है, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 124, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीखता है, पहला ऑप्शन है 11वां, दूसरा है 16वां, तीसरा है 34वां और चौथा है 51वां। तो 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन 11वां। नेक्स्ट है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, पहला ऑप्शन है 14 वर्ष, दूसरा है 11 वर्ष, तीसरा है 9 वर्ष और चौथा है 6 वर्ष। तो 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन 14 ईयर। नेक्स्ट है, चरित्र को निश्चित करने वाले प्रमुख कारक हैं, पहला ऑप्शन है शारीरिक कारक, दूसरा है मानसिक कारक, तीसरा है सामाजिक कारण और चौथा है मनोरंजन संबंधी कारक। तो 126 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोरंजन संबंधी कारक। अगला है, बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है, पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है युवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोर अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, पहला ऑप्शन है शिशुअवस्था, दूसरा है युवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोर अवस्था। तो 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किशोर अवस्था। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, पहला ऑप्शन है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, दूसरा है अनुकरण की प्रवृत्ति, तीसरा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और चौथा है संचय की प्रवृत्ति। तो 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है, पहला ऑप्शन है जन्मजात रुचि, दूसरा है अर्जित रुचि, तीसरा है शैक्षिक रुचि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन जन्मजात रुचि। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र के 130 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।